अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गला तैयार किया है जिसमें हमने कॉलर के साथ स्लिट में लेस लगाई है। पूरी एक साथ हमारी इस तरह लेस घूम रही है, ठीक है, और पक्की लगी हुई हमारी लेस, और लुस्ट भी हमारे लगे हुए इसमें, लुस्ट भी हमारे पक्के लगे हुए, और लुस्ट हमने इस पर बटन लगा दिए। ये पहली बार मैंने आपको इस तरह का गला बताया, ठीक है, पूरी एक साथ लेस इस तरह घूम रही है। ये वीडियो आपको गौर से देखनी है, इसका मेजरमेंट जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। चलिए शुरू करते हैं गला हमने किस तरह तैयार किया है। फ्रंट बिछाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका आला काटेंगे, 3 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे इसे, और 3.5 इंच पे इस तरह इसे शेप दे देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब हम इसके शोल्डर जोड़ लेंगे बैक के साथ, शोल्डर की सिलाई लगा ली, ठीक है। बैक से हम इसकी कटिंग कर लेंगे थोड़ी सी, और आपको जितनी लंबी स्लिट चाहिए आप उस हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो मैं इसकी 17 इंच पे कटिंग कर लूंगा फ्रंट की सिर्फ। ठीक है, मैंने कटिंग कर ली। अब हम सबसे पहले इसका कॉलर काटेंगे। ये बुकरम मैंने डबल की हुई है, मैंने थोड़ी सी हार्ड बुकरम ली है, जेंट्स कपड़ों में लगती है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें लेस लगा रहे हैं तो उसमें ज्यादा खूबसूरती देगा ये बुकरम। इसे हम यहाँ पे शेप दे देंगे, इसका हम हाला नाप लेंगे कितना कॉलर हमने काटना है इसका। इसे हम यहां पे डबल कर लेंगे इस तरह, और इसे नाप लेंगे, ये 8 इंच आ रहा हमारा, ठीक है। 16 इंच का हमारा कॉलर कटेगा, तो इसे 8 इंच पे इस तरह हम निशान लगाएंगे, यहां से हम इसे 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से इसे शेप दे देंगे इस तरह से, इसकी कटिंग कर लेंगे कॉलर की। इस कॉलर को कपड़े भी चुका लेंगे। ये मैंने कॉलर कपड़े चुका लिया, ठीक है, इसका सेंटर करेंगे। अभी से हम फ्रंट पे लगा लेंगे शर्ट पे। यहां से इस तरह लगाएंगे, सीधी साइड हमारी ऊपर आएगी, ठीक है। कॉलर को हम इस तरह रखेंगे और इसे सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, अभी से हमें इस साइड पे निशान लगाना है। यहां से हमें इसे इस तरह नापने, शोल्डर से 10 इंच पे आना चाहिए हमारा, ठीक है। 10 इंच पे हम इसका निशान लगा लेंगे। अब यहां से हम इसे लेस लगाएंगे, ये हमारे पास लेस है, अब यहाँ से हम इसे लेस के शुरू करेंगे, ठीक है। सीधा साइड हमारा लेस के साथ, सीधा साइड के सीधे साइड के साथ टकराना चाहिए, ठीक है। तो इसे यहाँ पे इस तरह लेस लगाएंगे, कॉलर में इस तरह लगाते हुए पूरा यहाँ नीचे तक ले आएंगे। ठीक है, हम ये सारी लगा लेंगे। जब मैं इस नोक पे आऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस नोक पे हमें किस तरह कवर करना है। अब देखें यहाँ पे नोक पे हमें इसे लेस को कवर करना है, ठीक है। ये कट से मैं इसे थोड़ी सी नीचे इसकी कटिंग कर रहा हूँ,
अभी से हमें ये जो हमारा सेंटर आ रहा है इस लेस को हमने इस सेंटर से इसी तरह से मिलाना है। ठीक है, ये लेस हमने लगा ली इसकी। ये देखें यहाँ से हमने इसे शुरू की थी, इस तरह पूरी लगाते हुए हम यहाँ नीचे ले आए। ठीक है, अब इसे इस साइड में हमें लूप्स लगाने हैं, 8 लूप्स हमने लगाने। ये जो हमारा कॉलर आ रहा है, कॉलर जहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ से हमने 2 लूप्स लगाने, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर 2 लूप्स, इसी तरह हमने नीचे तक लूप्स लगाने हैं। ये देखें मैंने लूप्स डोरी तैयार करके इसकी कटिंग कर ली लूप्स की। ठीक है, मेरी लेस थोड़ी सी चौड़ी है तो मैंने लेस के हिसाब से इसके लूप्स की थोड़ी सी बड़ी कटिंग की है, बड़े हैं हमारे लूप्स थोड़े से। ठीक है, अगर आपकी लेस बारीक हो तो आप नॉर्मल लूप्स की कटिंग करें। अब हमें लूप्स इतने लगाने के हमारे लेस के ऊपर जो ना इस तरह लूप्स शो भी होने चाहिए, ये इस तरह शो होने चाहिए। यहाँ गैप हम देख लेंगे कितना आया हमारा, 2.5 इंच का गैप आया, उसके बाद हम इसे 2.5 इंच का गैप देके फिर 2 लूप्स लगा लेंगे। ये देखो मैंने लूप्स लगा लिए इसके। ठीक है, अब इसे हमें फिनिशिंग देनी है। ये हमने पट्टी काटी हुई है, ये हमारी आड़ी कप पट्टी है। ठीक है, खड़ी पट्टी नहीं है, खड़ी पट्टी में हमारी लचक नहीं होती, ये आड़ी पट्टी है। उरेप भी नहीं काटनी है हमें, उरेप में आपको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हम पट्टी को लगाएंगे यहाँ पे। ये जो हमारी लेस आ रही है, लेस से हमने शुरू करना है पट्टी को। यहाँ से एक साइड से मोड़ लेंगे, ठीक है, इसे इस तरह रखेंगे, यहाँ लेस से बिल्कुल शुरू करना है। आप भले हल्का सा निशान लगा लें यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि लेस हमारी बिल्कुल यहाँ तक आ रही है। ठीक है, ये मैंने हल्का सा निशान लगा लिया, अब इसे यहाँ पे इस तरह रख के इस निशान से हम इसे पक्का करते हुए ले आएंगे, यहाँ से पूरा घुमाते हुए यहाँ पे दोबारा ला के पक्का करेंगे। इस तरह पूरी लगा लेंगे, जब मैं नोक पे आऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा यहाँ पे हमें किस तरह कवर करना है इसको, पट्टी को। ये मैंने पट्टी लगा ली पूरी। ठीक है, अब हमें इस यहाँ पे नोक पे इससे पट्टी लगानी है। ये जो हमने सिलाई इसकी इस पट्टी की लगाई है, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल इस लेस के बराबर आ रही है। अब हमें यहाँ पर लेस पर ला के इसको बिल्कुल पक्का करना है इस लेस तक। ये देखें मैंने पट्टी लगा ली। ठीक है, अब इससे हम यहाँ पर इस तरह खोलेंगे, ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है यहाँ पे हम इसे कट लगा लेंगे। बिल्कुल सिलाई तक हमें कट नहीं लगाना, थोड़ा सा पहले इसे रोक देना कट को। ठीक है, अगर बिल्कुल सिलाई तक रोक लेंगे तो आप जब इसे अंदर की साइड इस तरह करेंगे तो आपका कच्चा ऊपर की साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इस पट्टी को हमें प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे प्रेस कर लिया पहले। ठीक है, अब इसे हमें कॉलर से पहले प्रेस करना है, यहाँ से इस पट्टी को कॉलर से बिठाना है हमें। ठीक है, कॉलर का सेंटर है हमारा, यहाँ पे हम लेस को इस तरह सेट करेंगे, यहाँ से पट्टी को मोड़ लेंगे इस तरह। ठीक है, ये जो हमारी सिलाई लगा हुई कॉलर पे, इस सिलाई को हमने दबाना है इस तरह। अब देखिए यहाँ पे हमें ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दबाव इसका इस तरह फोल्ड नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, अगर होगा तो हल्का, बिल्कुल हल्का सा होगा, वरना होगा नहीं शायद। ठीक है, देखेंगे, मेरे ख्याल से होगा ही नहीं।
ये बिल्कुल एसी सेटिंग से आ जाएगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे इस तरह प्लेट देने की ज़रूरत नहीं है, दे भी दे दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपका खड़ा कपड़ा होगा ना, खड़ा कपड़ा इस तरह जो हमने बिठाया कॉलर में, बहुत मुश्किल से बैठेगा आपका, ठीक है। ठीक है, हमने कॉलर से भी और यहाँ स्लिट में भी एक एक साइड की पट्टी बिठा ली, दूसरी साइड की भी इसी तरह बिठा के हम इसे तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली इसे, ठीक है, पट्टी पे। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल सेट बैठा है यहाँ पे कॉलर पे। ठीक है, अभी यहाँ इसे शोल्डर से हम इसे निशान लगाएंगे, शोल्डर से लेकर यहाँ तक के 8 इंच पे। और इस साइड पे भी इसी तरह हम निशान लगा लेंगे। अभी हमने एक बटन टिक तैयार की हुई है, 2.5 इंच चौड़ी पट्टी थी, डबल करके हमने इसे सिलाई लगा ली, इसे सीधा कर लिया। पट्टी पहले हमें इस साइड से लगानी है, इस साइड से हमने सिलाई लगानी है, बाद में इस साइड से लगानी है। अगर पहले हम इस साइड से सिलाई लगा लेंगे तो ये वाली सिलाई हमसे बहुत मुश्किल से लगेगी, मतलब लगेगी नहीं खूबसूरती से। यहाँ पे इस तरह रख के इसे सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी लगा ली, यहाँ पे मैंने पट्टी लगाने के बाद उस पर बटन टाक दिए ऊपर लूज पे, ये हमारा गला तैयार हो गया।